अच्छा बरसात था, मम्मी ने बनाया दिल से तो अच्छा ही होगा। और आप देख सकते हो ये सारे केले हम लोग बांटने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, तभी हम पे दियावती करेंगे। हम लोग जाने वाले दुकान पे है और मैं आपको बता दूं, आज दशमा का 10वां दिन है, आज जागरण होने वाला। मैं सबको आके बताऊंगा, मैं तो शायद नहीं करने वाला हूँ जागरण, मम्मी करेंगी। आज विसर्जन भी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी 10 दिन बीत गया दशमा के, पता भी नहीं चला। हर बार ऐसे ही होता, पता ही नहीं चलता कितने जल्दी दशमा के 10 दिन बीत जाते हैं। कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएंगे दशमा, तो अभी हम पहले दियावती करते हैं। तो गाय ने मैंने दियावती कर दी है और नीम के पेड़ पानी चढ़ा दिया और लूसी को भी घुमा दिया। अब देख सकते हो ये लूसी घूम के आ गई है, तभी हम जा रहे हैं दुकान पे पहले। तो गाय मैं दुकान पर पहुँच गया हूँ और बीच का फिर मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं ट्राईपॉड लाया, लेकिन फिर भी लेट हो गया बहुत इसलिए। जाने के लिए निकल रहे हैं और वापस के मैं कंजेस्टिव हो रही है, इसलिए मैं दवा लाना वापस चालू करना पड़ेगा। हमें सीधा घर पर मिलता है आपको। पहुँच गया हूँ चलते घर पर, हम लोगों ने आपको माल दे दिया है। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ। और परे अभी कर रही नाश्ता, देख सकते हैं पूरी और पनीर की सब्जी है और ये रही हमारी सब्जी, हम लोग भी खाएंगे परी के साथ। और मेरे को वापस से कंजेस्टिव हो गई है तो दवा चालू हो गई वापस से, पता नहीं कैसे हो गई, वापस से हो गई है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया और अभी हम लोग देखते हैं। आज मैंने आपको बताया था कि दशमा का 10वां दिन है, आखिरी दिन है, आज जागरण भी होगा। तो आप देख सकते हो ये दशमा और ये दिया जल रहा है, ये आज पूरा दिन मतलब विसर्जन हो रहा है तब तक जलता रहेगा। आप देख सकते हो पूरा घी डाला हुआ है। इस दिए को हमको भूतने नहीं देना है पूरी रात, मतलब पंखा चालू यहाँ का नहीं होगा, मतलब कैसे भी होगा, एक दिए को भूतने नहीं देना है। इसमें लास्ट दिन ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देख सकते हो सारे केले हैं हम बांटने के लिए लेके आए हैं, देख सकते हो 4 कैरेट आपको दिख रहा होगा। तो दान करने के लिए मतलब गरीबों को खिलाने के लिए ले लिया। अब देख सकते हो सब कैरेट भर के पड़े हैं, ये भी हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब शाम को जाएंगे। और अभी आप देख सकते हो लड्डू बन रहे हैं, तैयारी हो रही है लड्डू की। हमें कौन से लड्डू बन रहे हैं? सुरमा का लड्डू बन रहे हैं, देखो चीनी पीट दी है, अभी थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है, बन जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। गाइस अभी हम परी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये रे परी एक्टिवा लेके जाने वाले, चलते हैं, थोड़ी लेट हो गई परी। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं, हेलमेट पहन लिया है, चलते हैं, परी नीचे खड़ी है, चलते चलते हैं। वो रे परी बैग रख दिया उसने एक्टिवा पे, आप देख सकते हैं स्कूल में छोड़ के मिलता आपको। तो गाड़ी में स्कूल छोड़ के आ गया हूँ और गाड़ी में पेट्रोल भी भरा दिया, आप देख सकते हो पेट्रोल भरा दिया, अभी हम घर पे चलते हैं। तो गाड़ी में घर पे पहुँच गया हूँ फ्लैट में, चलते हैं, हेलमेट ग्लास उतार दिया, चलते हैं घर पर। तो गाड़ी में घर पे आ गया, फिर आरती चालू थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, और मैंने आरती भी अटेंड कर ली है। अब देख सकते पढ़ता दिए ना, और ये लड्डू बना घर पे, ये मम्मी ने बनाया, आप देख सकते हो। मम्मी किससे बनाया? चूरमे के लड्डू। चूरमे के मतलब पूरी से? हाँ पूरी से, चूरमा का, चूरमे का, चूरमा मतलब पूरी बनाते हैं, बना के फिर उसको पीसते हैं, फिर चूरमे के लड्डू ऐसे बनते हैं, चूरमा फिर घी काजू बादाम डाल के। उनको ज्यादा पसंद है। अच्छा, जैसा मेरे को ज्यादा पसंद है ना, इसलिए हमने लास्ट दिन हवा हम लोग बांटते हैं। मैं अभी टेस्ट करता हूँ। तो गाय मैंने बरसात खा लिया, बहुत अच्छा बरसात था, मम्मी ने बनाया दिल से तो अच्छा ही होगा। और आप देख सकते हो ये सारे केले हम लोग बांटने वाले हैं, अभी नहीं अभी आरती हो गई है, शाम को जाएंगे ना, शाम को जाएंगे ना, शाम को जाएंगे दशमा के नाम से, सबको गरीबों को प्रसादी देंगे माता जी के नाम से, आप देख सकते हो। तो गाय जब मैं थोड़ा अलग के काम कर दिया है, तब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। पापा ने खा लिया, मैं खाया रोटी और चने आलू की सब्जी है, आप देख सकते हो। तो मैं सीधा खाने वाला आपको मिलता हूँ। तो गाय मैं मटन का पेट पकड़ खाना खा लिया है और मैंने लूसी को भी घुमा दिया, लूसी घूम के आ गई है, आप देख सकते हो। ये रही लूसी थक गई है,
तो अभी हम लोग काम करने वाले ये सारा प्रसाद है जितना भी केला उनका ये आगे का वो ऊपर का काट देंगे। आप देख सकते हो बना था एक केला कर देंगे तोड़ के, मैं आपको बताता हूँ। अब टूट एक हाथ से टूटी नहीं, देख सकते हो ऐसा एक एक केला कर देंगे, ऐसा पूरा कैरेट जितने का ज़रा वजन भी नहीं होगा, ऐसा एक एक केला करके तोड़ के रख देंगे। तो पहले हम तोड़ के रख देंगे, तो गाइस अभी हमने सारे केले कटिंग के तोड़ के रख दिए। आप देख सकते हो ये एक कैरेट है, ये दो कैरेट, तीन कैरेट हो गया चार से। आप देख सकते हो भैया ने मिलके साथ तोड़ दिया, ये थोड़े बहुत खराब भी निकल गए, एक को हम गाय को खिला देंगे कोई बात नहीं। और ये सारा बोरा इतना से कचरा निकला इसे देख सकते हो, तो ये सारा हम एक्टिव में लेके फिर जाएंगे देने के लिए। अरे पहले काम कर ले थोड़ा बहुत। हम लोग सारे केले एक साइड रख दिए देख सकते हो आप, ये रहे हमें थोड़े बहुत झाड़ू लगा दिए। अरे पोछा लगाना बाकी है, पोछा लगाना पड़ेगा अभी क्योंकि अभी बज रहे हैं साढ़े चार, मतलब बज ही गए देख सकते हो आप। अभी कुछ देर में झाड़ू पोछा कर लूँगा, फिर मम्मी फ्रेश होंगी, फिर हम लोग आरती करने वाले हैं वापिस से साढ़े चार के करीब पैसा था उठा। और ये केले हम बांटने जाएंगे पूरे फ्लैट में। आप देख सकते हो निकाल दिए गिनती से सबके लिए अलग निकाल दिए, भैया हमें देने के लिए जाएंगे, पहले मैं पोछा लगा दूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस मैं हूँ, ये मेरा पोछा है और यहाँ पर ये पोछा लग रहा है। तो गाइस अभी मैंने पोछा लगा दिया है, आप देख सकते हो पूरा घर में लगा दिया पोछा, क्योंकि अभी आरती की तैयारी होने वाली है। तो आरती से पहले हम लोग झाड़ू पोछा लगाते ही है, मम्मी आरती की तैयारी करेंगी तब हम क्या करेंगे। ये केला था जो ख़राब, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये केले देख ख़राब केला थैले में भर दिया, ये हम गाय को खिलाने चले जाते हैं, गाय को खिलाने फिर मैं आता हूँ। गई दो गाय दे देते हैं, यहीं पर डाल देंगे। खा लेगी वो, आ रही है खा लेगी, अभी हम चलते घर पर। गाय मैंने गाय को केले खिला दिए और फिर आरती भी हम लोगों ने पूरी कर दी है। आप देख सकते हो दो बार आरती हो गई है, एक बार सुबह और एक अभी दोपहर में हो गई है, और शाम को भी होने वाले है। भैया अभी गया परी को चूर लेने के लिए, भैया आएगा फिर हम लोग केले बांटने के लिए आने वाले है। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला है, मैंने आपको बताया था फ्लैट में बांटने वाले, भैया परी को चूर लेके आएगा, स्कूल से लेके आएगा फिर हम लोग बाद में जाएंगे। तब तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, वो हे गूगल के रिलेटेड ही है, कल हमने जो बनाया था उसका पार्ट टू है, आपने नहीं देखा आप जाकर देख लेना। मैं अभी एक दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का हमने ले रहा, लिंक मैं टेक्स्ट में डाल दूंगा, जिनको देखना आप जाकर देख सकते हो। और थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो में, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही ब्लॉग देखते रहने के लिए। और आप ब्लॉग एंड तक वॉच करना, अभी हम लोग और जगह जाने वाले केले बांटने के लिए दशा माँ के मंदिर तब तक गया। तो अभी हम लोग पहले एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, प्रचार बांटना चालू कर दिया फ्लैट पे। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग केले नीचे लेके आ गए हैं, अभी गाड़ी से लेके जाने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए, एक कैरेट बट भी गया अभी तक, अभी दूसरा कैरेट लेके जा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं। तो गाइस अभी हम केला प्रसाद भी बांटने जा रहे हैं, तीसरा कैरेट है, दो कैरेट बट चुका है। तो गाइस अभी हमने तीनों कैरेट बांट दिया, आप देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर।
तुम गाय के घर पे पहुंच जाओ फ्लैट पे, चलते घर पर अपने। तो गाय जब हमने आरती कर ली है, देवती कर दी है, तभी हम लोग चौड़िया बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कपड़े चेंज कर लिए हम लोग, ये वॉल पे बनाएंगे क्योंकि बाहर को मेहमान आए हैं, बातें हो रही है। हमको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनानी है, उसके लिए हम हैरान नहीं करेंगे उनको, हमने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी हमारी शॉर्ट वीडियो बन चुकी है, ये रहा थंबनेल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको देखना आप जाकर देख सकते हो। वो हे गूगल का मैंने पार्ट वन बनाया था, उसके रिलेटेड ही है ये पार्ट टू है, आप जाकर देख लेना। आपने उसमें बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट किया, इसलिए मैंने पार्ट टू भी बना दिया। तो गाइस अभी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तभी आरती पूरी हो गई है, आप देख सकते हो। अभी हम लोग विसर्जन भी करने जाएंगे, मतलब बहुत टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, करीबन सुबह के 4 या 5 बजे, तुम्हें आइडिया नहीं है। वो विसर्जन मतलब तो बोलते हैं, मैं सीधा आपको कल बताऊंगा, आज तो ब्लॉग में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए आपको देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो। तो अभी हम लोग वीडियो एडिटिंग का काम करके ये खाना खाना जाएंगे। तो गाइस हमने मच्छन का पेड़ वगैरह खाना खा लिया, तो अभी हम लोग आज का ब्लॉग एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, एक्टिव ब्लॉग देखते रहने के लिए। तो विसर्जन का कल मैं आपको बताऊंगा। टिल द टेक केयर, बाय बाय।